पूरी पागल है, हाइट भी है उसकी छोटी, जान है तू मेरी मोटी। मोहब्बत तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, प्यारे हो आप तो हमारी जान है और आप पर सब कुछ कुर्बान है। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप प्रीव्यू देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इमेजेस की ज़रूरत होगी और शायरी की, या तो आपको पिंटरेस्ट ऐप को ओपन कर लेना है, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑल मटेरियल लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एस्थेटिक कपल पिक या पिक्स। ओके, सर्च करने पर ये कुछ इमेजेस आ जाएंगे आपके सामने, ये देख रहे। तो आप ऐसी और भी इमेजेस यहाँ पर आपको सजेशन में मिल जाएंगे, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जैसे यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करें, यहाँ डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। तो इमेजेस हो गई। अब आपको अगर ऑडियो अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करना शॉर्ट शायरी। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ बीच में कुछ अपना अलग से टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको लव चाहिए हो या सैड चाहिए हो तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, तो यहाँ पर आपकी शायरी आ जाएंगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है ऑडियो फॉर्म में। उसके बाद आपको अब वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए लाइटमोशन ऐप को ओपन करना। ओपन हो जाने के बाद इधर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद इस रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, फिर यहाँ से आप इसका कलर ब्लैक रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, तो ये प्रोजेक्ट आ गया। अब आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फिर मीडिया पर जाना है और यहाँ से आप अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, जो आपको इमेज ऐड करनी है। जैसे मैं इस इमेज में बनाना चाहता हूँ, ओके, इस इमेज पे बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने ऐड कर ली। फिर आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना, तो ये फुल फिल हो गई। एंड यहाँ पर जाना है आपको एंड इधर, तो इसको थोड़ा सा हल्का जूम कर लेना है। उसके बाद अब आपको इमेज को सबसे पहले एडिट करना होगा, तो इमेज पर क्लिक करना एंड ऐड इफेक्ट पर जाना है आपको। उसके बाद सबसे पहले आपको इसमें ऑसिलेट इफेक्ट ऐड कर लेना है, तो आपको सर्च बॉक्स में जाना है, ओएस सर्च करना है, तो यहाँ पे जो टॉप पे इफेक्ट आएगा उसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर लेना है। यहाँ पर आपको एंगल इसका रखना है 90। ओके, तो यहाँ पर 90 एंगल हम रख लेते हैं, तो ये हो गया 90। अब आपको इसमें फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, तो फ्रिक्वेंसी आपको 50 रखनी है, तो कम कर देनी है फ्रिक्वेंसी को, 50 हो गई है। ओके, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको एक और इफेक्ट ऐड करना है, स्विंग, तो आप इसमें SW लिखेंगे तो टॉप पर जो इफेक्ट आएगा आपको इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब आपको इसमें फ्रिक्वेंसी को 30 रखना है, कम कर देना है फ्रिक्वेंसी, तो हम 30 कर लेते हैं, तो ये फ्रिक्वेंसी ऐड हो गई। अब आपको इसमें एंगल्स ऐड करने हैं, तो एंगल्स यहाँ पर इनको इधर -2 कर देना है, -2 कर देना है कुछ इस टाइप से, इधर पे +2 कर देना है, तो ये हो गया +2। अब इसके बाद आपको इसमें सैचुरेशन ऐड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, SAT सैचुरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आएगा स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब से थोड़ा अगर प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा वीडियो देखने के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया, अब इमेज ऐड हो गई। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर जाएंगे एंड जाने के बाद यहाँ पर आपको इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम कर लेना है। ओके, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी इमेज है उस हिसाब से, तो मैं इसकी 40 रख रहा हूँ, तो आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ इसकी 40 रख रहा हूँ। एंड उसके बाद इमेज एडिट हो गई। अब आपको इसके ऊपर थोड़ा HDR इफेक्ट ऐड करना है। HDR इफेक्ट ऐड करने के लिए XML फाइल मैंने आपको दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आप डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, तो इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर एंड कॉपी टू लेयर्स कर लेंगे। उसके बाद जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है इस पर जाके आपको इसे पेस्ट कर देना है, पेस्ट टू लेयर, एंड ये पेस्ट हो गई। अब आपको इसकी लेंथ अपने ऑडियो के हिसाब से कर लेनी है। तो अभी हमने ऑडियो ऐड नहीं किया है, यहाँ पे ऑडियो ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर जाना है, ऑडियो पे जाना है, यहाँ पर आपका ऑडियो ऐड जो आप डाउनलोड करेंगे उसको यहाँ पे ऐड कर लेना। ओके, तो ये कुछ ऑडियो है तो इसको मैंने ऐड कर लिया, तो ये ऑडियो ऐड हो गया। लॉन्ग प्रेस करना है इन तीनों पर, उसके बाद यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको इसमें अपना टैग लगाना है, तो प्लस आइकन पे जाएंगे, टैग्स पे जाएंगे, यहाँ पर अपना टैग लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंस्टा आईडी जो भी है आपकी, वो आपको लिख लेनी है। तो लिखने के बाद आपको यहाँ पर जाना है एंड जो आपको फॉन्ट ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको जो टैग में फॉन्ट ऐड करना है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑल मटेरियल लिंक पे। तो यहाँ पर आपको लेमन मिल्क मीडिया इटैलिक फॉन्ट को ऐड करना है, तो ये है। यहाँ पर आकर आपको इसे वाइट कलर ऐड कर देना है एंड इसका जो साइज है वो 14 कर देना, इसे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब। एंड यहाँ से आकर इसको आप सेंटर कर देंगे। तो अब ये हो गया है, आप इसे थोड़ा नीचे कर देना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा टेक्स्ट आएगा इसलिए। एंड आपको लास्ट में जाना है एंड इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसे पूरे में फिल कर देना है। अब आपको टेक्स्ट एडिट करना है, टेक्स्ट ऐड करना है सॉरी, तो प्लस आइकन पर जाके टेक्स्ट पे जाना है। तो मैं मान लेता हूँ कोई भी ऐसा ही टेक्स्ट, तो तुमसे हुआ है प्यार। ओके, ये एक एग्जांपल के लिए। एंड यहाँ पे जाएंगे आप, इसमें आपको फॉन्ट ऐड करना है लेमन मिल्क बोल्ड इटैलिक, एंड ऐड करने के बाद ये थोड़ा छोटा हुआ, आप इसको आप यहाँ से खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। एंड यहाँ पे आएंगे सेंटर कर देंगे, प्लस आइकन क्लिक करेंगे, अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर देना है कुछ इस टाइप से, ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपनी की ऐड कर लेनी है, जिस तरह से आपके वीडियो की लेयर्स हों उस टाइप से आप ऐड कर लेना। तो मैं आपको उस टाइप से आप ऐड कर लेना। अब ऐड करने के बाद आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे एंड इसको छोटा कर देंगे अपने की के हिसाब से। फिर यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले इफेक्ट को ऐड करना है, वो है गॉसियन ब्लर। तो यहाँ पर जी आप सर्च करेंगे तो आपके टॉप पर आएगा गॉसियन ब्लर, इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है की देनी है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की है उसको सबसे पहले यहाँ पे दे देना, तो एक यहाँ से आप की दे सकते हैं। तो बाद यहाँ पर आएंगे थोड़ी दूरी पर और यहाँ पर आपको इसको जीरो कर देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ की लग जाएगी। ओके, एंड अब आपको यहाँ पर एक और इफेक्ट ऐड करना है, तो ऐड इफेक्ट पर जाइए, यहाँ पर सर्च करिए EX, तो एक्सपोजर गामा आएगा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे ओपन करना है, यहाँ पर आपको दो की ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक की ऐड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर एक की ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको जीरो ही रखना है एंड यहाँ पर आपको इसको बढ़ा देना है, बढ़ाकर आप इसे 180-190 के आसपास कर सकते हैं। तो 180 कर लिया मैंने एंड बस आपको इसमें इतनी सेटिंग करनी थी एंड ये आपका टेक्स्ट हो गया रेडी। फिर कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, अब कॉपी होने के बाद इधर, तो कॉपी हो जाने के बाद इधर आकर आपको इसे पेस्ट कर देना। पेस्ट होने के बाद इधर ये आप देख रहे हैं की मार्क से छोटी है, तो आप इसे क्लिक करके टाइमर पर जाकर इधर क्लिक करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं लेंथ के हिसाब से। अब आपको एमओजी ऐड करनी है, तो यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पे जाइए एंड यहाँ पर कोई आप एमओजी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो एमओजी सेलेक्ट कर ली, अब आपको यहाँ पर जाना है एंड इस सेकंड मतलब मिडिल ऑप्शन पर क्लिक करके एंड इसकी जो ऑपेसिटी है उसे जीरो कर लेना है। उसके बाद इसके जो साइज है उसको 14 रख लेना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं एंड इसको सेंटर में कर लेना। फिर यहाँ पर आपको एक फॉन्ट की लिंक मिल जाएगी iOS 14, इसे आप ऐड कर लेना। फिर इसे आप अपने लेयर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इसे
इस तरह से ऐड कर लेना है, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये एमओजी भी ऐड हो गया, तो आपको अगर और भी ऐड करनी है तो यहाँ पर इसे लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं, या फिर क्लिक करके इधर क्लिक करके आप इधर कॉपी लेयर करके इधर आगे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे तो इधर ये बड़ी हो जाएगी, इसे छोटा यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना क्लिक करके एंड एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे दूसरा टैग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये दूसरा टेक्स्ट लिख गया। एंड इस तरह से आप इसको पूरी तरह एडिट कर सकते हैं। अब आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं।